नमस्कार, आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक से मैं रवि तिवारी। जैसे कि कल हमने छड़ चर्चा की थी, बिहार एसआई को लेकर आप लोगों के लगातार संदेश आ रहे थे और फोन कॉल्स आ रहे थे और आप लोग पूछ रहे थे कि सर क्या बिहार एसआई के लिए भी संस्थान की कोई योजना है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हाँ, बिहार एसआई के लिए संस्थान पूरी पाठ्यक्रम योजना विशेषज्ञों पर कार्य कर रहा है। तो संस्थान ने बिहार एसआई को लेकर एक संपूर्ण योजना बनाई है। उस योजना से बस मैं थोड़ी देर में आपको रूबरू कराने चल रहा हूं। हमारे यहां बिहार एसआई से संबंधित बैच का प्रारंभ किया जा रहा है। बैच में कैसे आप आ सकते हैं, कैसे प्रवेश ले सकते हैं, इसकी सूचना मैं आपको दो मिनट बाद दूंगा। पहले आइए पाठ्यक्रम पर एक चर्चा कर लेते हैं, आपकी परीक्षा योजना पर चर्चा कर लेते हैं और कैसे आपके इस पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सकता है इस योजना पर चर्चा कर लेते हैं और फिर मैं आपको प्रवेश प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो यदि हम बिहार एसआई के बारे में बात करें तो आप यहां पर गौर से देखेंगे कि बिहार एसआई की जो परीक्षा है उसके दो चरण हैं, प्रारंभिक और मुख्य। दो चरणों में आपकी परीक्षा आयोजित होनी चाहिए और इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा भी आपकी है। तो परीक्षा तीन चरणों में है, प्रारंभिक, मुख्य एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो ये जो बैच प्रारंभ किया जा रहा है, ये प्रारंभिक और मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के लिए आपका एक कंबाइंड बैच है, क्योंकि आपके सिलेबस में थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन है कि जो चीजें प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं वो मेंस में नहीं पूछी जाती। जैसे सिलेबस का जब पूरी विशेषज्ञता से अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि रीजनिंग और मैथ आपके प्रीलिम्स के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में रीजनिंग और मैथ शामिल है। क्लियर? तो उसी को ध्यान रखते हुए मैं थोड़ा सा और आपका जो है इस तरफ ध्यान देता हूं। प्रारंभिक परीक्षा को यदि हम लोग देखें तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा कुल 200 अंक की है और समय है आपका 2 घंटे। इसका मतलब थोड़ी सी चुनौती यहां पर आपके ऊपर है, आपको 120 मिनट में 200 प्रश्नों को हल करना है। क्लियर? और विषय आपका है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। कितना है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स? पद आपके हैं 2064 पदों के लिए यह भर्ती आपकी आई है। एक खास बात देख लीजिए कि इन 2064 जो पद हैं प्रारंभिक परीक्षा में, इसके 20 गुना विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इसका मतलब है 2064 पदों के सापेक्ष लगभग 40,000 लोगों को, 20 गुने का मतलब कितना हो गया, 40,000 लोगों को प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहां पर चयनित किया जाएगा। तो आपके पास एक बड़ा और सुनहरा मौका है इस परीक्षा को पास करने का। ये जो 40,000 लोग चयनित होंगे ये मुख्य परीक्षा में आएंगे। मुख्य परीक्षा आपकी दो प्रश्न पत्रों में बटी है, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी, जिसके 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक के होंगे, समय इसमें भी 2 घंटे है। और सामान्य अध्ययन जो होगा उसके 100 प्रश्न होंगे, ये भी 200 अंकों के होंगे, यहां पर भी समय कितना है, 2 घंटे। यदि हम मुख्य परीक्षा के विषय में बात करें यहां पर, तो आप देखिए यहां पर जो आपकी मुख्य परीक्षा है उसमें सामान्य हिंदी के जो 100 प्रश्न है उसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब ये पेपर क्वालिफाइंग है, लेकिन इसके नंबर जो है वो मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब हिंदी के नंबर जो होंगे वो आपको मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं किए तो भी आप फेल माने जाएंगे। इसका मतलब क्वालिफाई करना आपके लिए अनिवार्य है, जरूरी है। सामान्य अध्ययन का जो दूसरा पेपर है उसमें हम देखें तो जीएस के तो जो 5 विषय हैं वो है ही, सामान्य गणित भी है और रीजनिंग भी है। जीएस करंट अफेयर, सामान्य गणित और रीजनिंग। तो प्रारंभिक परीक्षा से यहां पर आपका गणित और रीजनिंग का हिस्सा यहां पर बढ़ गया है। और यहां पर आप देखेंगे कि कुल आपके जो पद हैं उसके लगभग लगभग, जैसे कुल पद हैं आपके 2064, तो उसके लगभग 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसका मतलब यहां पर 13,000 के आसपास अभ्यर्थी पास होंगे जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आपकी आई है, भर्ती आई है, और यहां पर चयनित होना, अगर थोड़ी सी आप पाठ्य योजना पे अच्छे से काम करें तो यहां पे चयनित होना आसान है। अब एक और बात यहां पे आप समझ लीजिए, अगर हम पूरा सिलेबस देखें तो संपूर्ण सिलेबस में, यूपीएसआई के सिलेबस में और बिहार एसआई के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। 95% सिलेबस आपका एक ही है। जैसे हिंदी आपको यहां पे भी पढ़नी है, वहां पे भी पढ़ रहे हैं, गणित में कोई भी परिवर्तन नहीं है, रीजनिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं है, इतिहास में कोई भी परिवर्तन नहीं है, भूगोल में कोई भी परिवर्तन नहीं है, विज्ञान में कोई भी परिवर्तन नहीं है। करंट अफेयर्स आपको वही पढ़ना है जो संपूर्ण करंट अफेयर्स होता है। तो जो परिवर्तन की पृष्ठभूमि है वो थोड़ी सी आपकी जुड़ेगी बिहार स्पेशल को लेकर, लेकिन हमने और हमारी टीम ने जहां तक बिहार एसआई के
पुराने पेपर और पाठ्यक्रम की परिचर्चा को देखा है या उस पर हम लोगों ने चर्चा की है और जो रिसर्च किया है, देखा गया है कि बिहार स्पेशल पूछा तो गया है लेकिन बहुत नहीं पूछा गया है। लेकिन संस्थान ने यह व्यवस्था की है कि वो बिहार स्पेशल की अलग से कक्षाएं आप लोगों को पूरी संचालित की जाएंगी और इसके लिए 3 फैकल्टी अलग से आपकी चयनित की गई है जो केवल बिहार स्पेशल पर आपसे चर्चा करेगी या जो बिहार से जुड़े हुए मुद्दों को आपको समझाएगी। जैसे अगर आगे हम लोग आए यहां पर तो देखिए, दोनों चरणों की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है आपकी 0.2% की, महिला आरक्षण आपका 35% है और आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो स्नातक है लेकिन ये स्नातक की डिग्री आपको 1/1/2019 के पहले पास कर लेनी है ना, या इसके पहले आपने क्या होगा उत्तीर्ण की हो या तो पास की हो। इसके बाद आगे देखें अगर हम लोग यहां पर तो उम्र जो है वो 20 वर्ष से लेकर 37 वर्ष है, इसकी परास ज्यादा है ना, मतलब काफी अभ्यर्थी इस दायरे में आते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो उम्र है वो 20 से 40 वर्ष है और अनुसूचित जाति की जो उम्र है वो 20 से 42 वर्ष है। यहां पर पुरुषों की लंबाई 165 सेंटीमीटर और महिलाओं की 160 सेंटीमीटर, ये दोनों कॉमन है। नीचे की श्रेणी में थोड़ा सा अंतर है, इसको 160 और 155 सेंटीमीटर किया गया है। ये पूरा अध्ययन हमारी टीम ने यहां पर किया है। फिर देखिए, आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 22/8/2019 है, मतलब 22 तारीख से आपके आवेदन प्रारंभ है और 25 तारीख तक आप जो है इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। जो अंतिम तिथि है वो 25/9/2019 है। आगे आइए, अब थोड़ी सी विषय विशेषज्ञों पे बात कर लीजिए। रीजनिंग में प्री कम मेंस चूंकि बैच है तो रीजनिंग और करंट अफेयर्स इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। जितने भी प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर्स से आते हैं और रीजनिंग से जो भी प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में बनते हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। संदीप सर आपकी पूरी गणित की जिम्मेदारी लेंगे, अमृत सर आपकी पूरी क्वालिफाइंग हिंदी की जिम्मेदारी लेंगे, शेखर सर न केवल इतिहास पढ़ाएंगे, शेखर सर आप जानते हैं उनकी योग्यता और किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाते हैं, शेखर सर न केवल इतिहास पढ़ाएंगे बल्कि बिहार स्पेशल का जो भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण आपसे पूछा जाता है, उन्होंने कई बार बिहार पीसीएस के मेंस भी दिए हैं और वो साक्षात्कार तक पहुंचे हैं तो बिहार के बारे में उनका जबरदस्त एक नॉलेज है, तो वो बिहार का ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उससे आपको चर्चा कराएंगे। भूगोल, गौरव सर भी बिहार की मुख्य परीक्षा देते रहे हैं तो जो भूगोल की विषय वस्तु है और भूगोल के आपके जैसे जो वन हो गए, मट्टियां हो गई, वनस्पति हो गई, अलग से जो भी आपका दृष्टिकोण भूगोल में बनता है वो आपको गौरव सर कंप्लीट कराएंगे। और रमेश सर बिहार से ही संबंधित हैं, जो अर्थव्यवस्था वाले रमेश सर हैं वो बिहार से ही संबंधित हैं तो वो अर्थव्यवस्था के हिस्से के अलावा जो बिहार का विविध का पूरा हिस्सा है वो आपको रमेश सर तैयार कराएंगे। तो ये पूरी परीक्षा योजना है, इसके मतलब जिसमें सर्किल है और बिहार लिखा हुआ है ये सभी बिहार स्पेशल की जिम्मेदारी लेंगे। तो अब जैसे देखिए, बैच यूपीएसआई के साथ ही आपका चलेगा और आज से ही उसमें कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं तो आप बहुत देर मत करिए, क्योंकि कोई सिलेबस आपका अलग नहीं है तो हम बैच आपका अलग से नहीं लाएंगे। लेकिन मैं ये पूरा कमिट करता हूं, मेरी पूरी जिम्मेदारी है, संस्थान की पूरी जिम्मेदारी है कि बिहार की जो भी स्पेशल क्लासेज है उनको निश्चित तौर पर आपको पूर्ण रूप से अलग से तैयार कराया जाएगा, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो 95% कॉमन सिलेबस है, जैसे आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया और इसके अलावा जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उनकी कक्षाएं एक साथ चलेंगी। बिहार स्पेशल की कक्षाएं बिहार स्पेशल के नाम से अलग चलाई जाएंगी, उसी बैच में उनको केवल आप लोग देखेंगे, यूपी वालों से इनका कोई भी संबंध नहीं रहेगा। जब उनका यूपी स्पेशल चलेगा तो आपका बिहार स्पेशल चलेगा। तो एक ही बैच है और उसमें एक योजना बनाई गई है कि बिहार वाले भी शामिल आराम से हो सकते हैं। पूरी जिम्मेदारी से मैं इस मंच पर कह रहा हूं, प्री कम मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए आप अपने प्रवेश को आज से ही सुनिश्चित करा सकते हैं, क्योंकि हमारे बैचेज में जो तैयारी है, पढ़ाई है, वो आज सुबह से प्रारंभ हो चुकी है। अगर आप देर करेंगे तो आपका सिलेबस छूटेगा, है ना। और जैसे कि आप जानते हैं कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षा प्रस्तावित, बिहार ने इस भर्ती के लिए अलग से आयोग का गठन किया है, अलग से आयोग का गठन किया है, बिहार पुलिस अवर आयोग करके गठन किया है। और आप जान रहे हैं कि
वह आयोग अलग से अगर गठित किया गया है तो भर्ती में आपकी बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, क्योंकि पिछली कुछ भर्तियां बहुत तेजी से हुई हैं और बिहार एकदम भी डिले नहीं कर रहा है इन चीजों में। बिहार गवर्नमेंट और बिहार आयोग इसको लेकर प्रतिबद्ध है। तो आपकी नवंबर के अंतिम सप्ताह में और दिसंबर के पहले सप्ताह में परीक्षा प्रस्तावित है। बहुत समय इतने लंबे सिलेबस के लिए आपके पास नहीं है। तो 40,000 लोगों को प्री पास करना है और उनमें से 12,000 लोगों को मेंस पास करना है। हम एक ही साथ आपकी प्री और मेंस की तैयारी कराने चल रहे हैं। तो आप तनिक भी देर ना करके अपने प्रवेश को आप सुनिश्चित करा सकते हैं, और ताकि कल से ही आपकी पढ़ाई शुरू हो सके। कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको हमारे इस नंबर को व्हाट्सएप पे सेव करना है, और व्हाट्सएप पे सेव करने के बाद इस नंबर पर व्हाट्सएप पे आपको एंट्री लिख के भेजना है। लिखना क्या है, बिहार एसआई, एंट्री बिहार एसआई, मतलब इस नंबर को आप व्हाट्सएप अपने मोबाइल में सेव करें और हमें केवल एंट्री बिहार एसआई लिख के व्हाट्सएप कर दें। हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी। आपके मन में यही आ रहा होगा कि सर फीस क्या है, कैसे चलेगा कोर्स, कैसे हम जुड़ेंगे, कैसे क्लासेज को देख पाएंगे। बहुत आसान है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए एंट्री बिहार एसआई लिख के, और आप देखिए हमारी टीम तुरंत आपसे संपर्क करेगी और तुरंत आपको जुड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी कि कैसे आपको जुड़ना है। तो देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं कि कुछ संस्थान के नंबर आपको दिए गए हैं। यदि किसी भी विषय से संबंधित कोई भी चीजें आपके मन में है तो आप संस्थान के नीचे दिए गए नंबरों पर भी फोन करके आप इन चीजों को देख सकते हैं, प्रवेश से संबंधित जानकारी ले सकते हैं या सीधे फोन करके अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये फोन नंबर्स प्रातः काल 9 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप हमारा वीडियो देखें और तुरंत फोन कर लें। आप इसी समय से व्हाट्सएप करके प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग तैयार हैं, टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट तैयार है, प्रतिबद्ध है बिहार एसआई के लिए। 2064 पदों में से हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पद आप लोगों को प्राप्त हों, आप लोग वर्दी को पहने। बिहार में आप देख रहे हैं कि एक प्रतिष्ठित पद है ना, और बहुत दिनों बाद आपकी वैकेंसी आई है। तो आपका जो खाकी वर्दी पहनने का सपना था वो अब पूरा होने चल रहा है, और हम इसमें आपके सारथी बन रहे हैं, आपके साथी बन रहे हैं। तो आइए मजबूत हाथ पकड़िए, टाइट हाथ पकड़िए, और आज से ही अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए। तनिक भी देर मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।